thanks to Amit sir, thanks to the institute for giving me this opportunity to interact with the students here. I really love interacting with students. जब मैंने तैयारी शुरू की थी, देखिए फ्रेंड्स आज नाम हो रहा है कि अन्नू कुमारी की स्ट्रैटेजी क्या थी, लेकिन मैं सच बताऊं जब मैंने तैयारी शुरू की थी कोई स्ट्रैटेजी माइंड में नहीं थी. ठीक है, माइंड में था तो सिर्फ डाउट्स थे, फियर्स थे, अनसर्टेनिटीज थी. आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन एंड आई हैड टेकन अ बिग रिस्क. सो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट सेक्टर और मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बेसिकली काम किया था. एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ मैरिड वुमन, अ वाइफ एंड अ मदर टू अ 2.5-year-old बॉय. टुडे माई सन इज 4-year-old. व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ही वॉज 2.5. तो चैलेंजेस बहुत थे, डर बहुत लगता था और बहुत बार ऐसे डाउट्स आते थे कि वॉट इफ इट डजेंट हैपन, वॉट इफ इट डजेंट मटीरियलाइज. वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि बच्चों आप भी जिस भी स्टेज से शुरुआत करोगे ना, यू विल फील कि यू आर लॉस्ट, यू डू नॉट नो वेयर टू बिगिन, वॉट टू डू, लोग करते कैसे हैं. छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना जो हमारे स्पेशली दे आर द मोस्ट यू नो डिफिकल्ट टू टैकल. जैसे मुझे छोटी सी चीज़ ये नहीं पता लगता था या ये समझ में नहीं आता था कि वेन द सिलेबस बिकम सो वास्ट बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन वेन यू अप्रोच मेन्स. सो द करंट अफेयर्स पोर्शन फॉर एग्जाम्पल वुड हैव lengthened so much that you would find it very difficult to revise. तो बहुत सारे छोटे छोटे doubts, कैसे होगा, क्या होगा, all these kinds of things were the ones that made my beginning. ठीक है, that is how I started. 2016 June में I left my job and I started preparing. Thanks to my brother and my mamaji, they are the ones who actually inspired me or encouraged me कि तुम job छोड़ दो, कोशिश करोगी तो हो जाएगा. It was only on their insistence. मैं मतलब ये जो parents भी यहाँ पे बैठे हैं, dear parents, मेरी आप सबसे भी ये request होगी and why I'm sharing this anecdote is so that you people also perhaps encourage your children, your wards, the same way as I was encouraged by my parents and relatives. मुझे बहुत डाउट था और मुझे नहीं लग रहा था कि यू नो सिलेक्शन हो जाएगा एट दिस एज व्हेन आई हैड ओनली 2 good attempts टू गो. बट ओनली बिकॉज मेरे रिलेटिव्स ने मुझ में इतना फेथ दिखाया, मेरे मामा जी ने मुझे एक छोटा सा सिंपल सा SMS भेजा था. उन्होंने लिखा था कि अगर तू अभी जॉब छोड़ दे तो तेरा और तेरे बेटे का 1.5-2 साल का जो भी खर्चा होगा आई एम रेडी टू बेयर. आप अभी बच्चे हो, मतलब यू नो मोस्ट ऑफ यू परहैप्स वुड बी ग्रेजुएट और यू नो स्टिल स्टार्टिंग और सो ऑन, तो यू वोंट रिकग्नाइज, बट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिग थिंग एंड एस्पेशली व्हेन यू हैव बीन वर्किंग एट अ पर्टिकुलर पोजिशन फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. आई वॉज ड्राइंग अ गुड सैलरी, सो फाइनेंशियली आई वॉज इन अ स्टेबल पोजिशन, बट ये सोच के डर लगता था कि कल को जब वो महीने के एंड में सैलरी नहीं आएगी तो हाउ वुड यू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड ऑल. एक होम लोन भी ले रखा था, बेटा भी था, उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी, सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वर देयर. तो बच्चों के मन में डाउट्स या फियर्स होंगे, पेरेंट्स मतलब सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, इट इज़ अप टू यू कि यू हैव टू वार्ड ऑफ दोज fears and doubts. आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो. मैं ये ब्रैक करने के लिए नहीं कह रही हूँ बट मैं बताना चाह रही हूँ आपको, व्हेनेवर आई यूज टू फील वेरी वेरी लो ना, तो मेरा भाई या मेरे पापा मुझे यूँ कह देते थे, बेटा तू एक्सेप्शनल है, तू निकाल जाएगी. एक्सेप्शनल वर्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है. आई नो इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट कि कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ मैं, पर मैं सच बता रही हूँ, जब मेरा भाई मुझे वो एक छोटा सा कह देते ना, तू कोशिश तो कर, तू निकाल जाएगी, तू एक्सेप्शनल है, मैं बता रहा हूँ. ट्रस्ट मी, मुझे खुद अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं शायद किसी तो बेस पे कह रहा होगा, हो जाएगा. 2016 का जब फाइनल रिजल्ट आया, 2016 का प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ था. आई हैड स्टडीड फॉर अराउंड 1.5 months टू गिव दैट प्रिलिमिनरी एग्जाम. ऑगस्ट में था उस टाइम पे, तो 1.5 महीने की तैयारी से मुझे पता था कि वो क्लियर नहीं होने वाला है. वो हुआ भी नहीं, आई लॉस्ट इट बाय 1 mark. तो आराम से मैंने अपना नेक्स्ट ईयर के प्री की तैयारी शुरू कर दी थी. ओके, आई फॉरगॉट व्हाट आई वांटेड टू से, लेट मी स्टार्ट ऑन अनदर थ्रेड नाउ. तो बच्चे व्हेन यू स्टार्ट बहुत सारे डाउट्स होंगे, फियर्स होंगे, इनसिक्योरिटीज होंगी, बट ट्रस्ट मी दैट इज द बिगिनिंग एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ पाथ इन लाइफ व्हेन यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टीज बी अश्योर्ड
दैट यू आर वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ. जब हम कुछ सही करने चलेंगे, कुछ डिफिकल्ट करने चलेंगे, कुछ बड़ा करने चलेंगे, मतलब नो डाउट प्रॉब्लम्स होंगी और डिफ़िकल्टीज होंगी, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा, ये डिफ़िकल्टीज थोड़े ही समय के लिए हैं. मतलब दो तीन चीज़ें जो मैं करती थी व्हेन आई यूज़ टू फील वेरी लो और व्हेन आई यूज़ टू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड, आई वुड स्पेशली वॉन्ट टू शेयर, बिकॉज ये जो जर्नी है ना यूपीएससी की, टू ऑल द एस्पिरेंट्स आई वॉन्ट टू से, इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ वेरी आर्ड्यूस, इट इज़ यू नो वेरी वेरी अनसर्टेन, यू डो नॉट नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन. तो ऐसे मोमेंट्स पे ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कई बार बूस्टअप करती हैं, इनकरेज करती हैं, एंड दे ऑलवेज गिव अस द स्ट्रेंथ टू यू नो गो अहेड डिस्पाइट द इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स. तो कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी, एक तो एक थॉट है, दिस टू शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा. मतलब ये थॉट सुन के मुझे बड़ी शांति से मिलती थी, ठीक है फिलहाल ये प्रॉब्लम है, चलो चली जाएगी. मुझे मेंस के टाइम पे ना चिकनगुनिया हो गया था, तो जॉइंट्स वगैरह ने काम करना बंद कर दिया था. मैं बहुत रोई थी कि मुझसे तो पहले ही मेरी स्पीड स्लो है और अब तो लिखा जाने वाला ही नहीं है, ठीक है. बट उस टाइम पे फिर मैं यही सोचती थी कि ठीक है अभी तो मतलब इमीडिएट चिकनगुनिया हुआ है, इस वजह से जॉइंट्स में ज़्यादा पेन है, एज टाइम विल पास वो ठीक हो जाएगा. सो ये छोटा सा फ्रेज दिस टू शेल पास, इट यूज़ टू गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. दूसरी चीज़, अपने वेल विशर्स से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स हों, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मासी, योर हस्बैंड इफ़ यू आर मैरिड, योर इन लॉज, एनीबडी हु लव्स यू जेन्युइनली, उन लोगों से बात कीजिए. वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आपकी अच्छाई दिखाएंगे, आपकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ दिखाएंगे, जिसके बेसिस पे दे हैव फेथ इन यू कि आप कर पाओगे. तो डू टॉक टू दोज पीपल. अवॉइड नेगेटिविटी, एस्पेशली यू पी एस सी एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी बच्चों, कई बार कहने को हमारे फ्रेंड्स होते हैं बट दे माइट नॉट बी आर ट्रू वेल विशर्स, बिवेयर ऑफ सच पीपल, ठीक है, दे कैन एक्चुअली पुट यू डाउन. फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे ऐसे कह दे, अच्छा फलाने फलाने क्वेश्चन का आंसर बताओ, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, एंड द अदर पर्सन टेल्स यू ये भी नहीं आता, इसका मतलब तेरी तो तैयारी नहीं है, अभी तो तू इस प्री में नहीं बैठ सकता, मेंस में नहीं बैठ सकता. अवॉइड सच नेगेटिविटी एट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है. अगर आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता तो आई एम प्रिटी श्योर देर वुड बी 100 डिफरेंट क्वेश्चन दैट यू वुड बी नोइंग एंड परहैप्स योर फ्रेंड वुडंट बी नोइंग. सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय द नेगेटिविटी. अलॉन्ग विद दीज थिंग्स लेट मी स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी पर से दैट आई डिड, ठीक है. सो विद ऑल द फियर्स, विद ऑल द अनसर्टेनिटीज, मैंने कैसे शुरुआत की थी. जून 2016 में एज आई टोल्ड यू मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, तो पहले मैंने थोड़ा बहुत गूगल वगैरह किया, पेपर का पैटर्न देखा कैसा क्या होता है, बुक लिस्ट एक कंपाइल करी कि यू नो व्हाट आर द बेसिक बुक्स दैट आई एम गोइंग टू रेफर. उस टाइम पे 2015 का रिजल्ट आया था एंड देयर इज अ वुमन अर्तिका शुक्ला, शी वाज रैंक 4 दैट टाइम. मैंने उनका वीडियो देखा था एंड आई समहाउ फेल्ट अ लॉट इंस्पायर्ड बाय दैट गर्ल. शी हैडन टेकन कोचिंग एंड शी क्लियर्ड इट इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट विद सच फ्लाइंग कलर्स, 4th रैंक, एंड शी वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट और वो उस टाइम पे शायद MD के पेपर देने की तैयारी कर रही थी व्हेन शी डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर UPSC. तो समहाउ मुझे कुछ ये फेथ आया, व्हेन शी कैन डू इट तो शायद बिना कोचिंग के भी निकल सकता है. मुझे थोड़े थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे तो मैंने घर पे बैठ के ही तैयारी करनी शुरू करी थी. किताबों की लिस्ट मैंने मेनली अर्तिका शुक्ला की फॉलो करने की कोशिश की. बुक लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एस्पेशली. सो माई एडवाइस टू यू वुड बी कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, ठीक है. अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डू मेक इट अ पॉइंट कि आप घर आके उसे अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है. उन्होंने कोई मटेरियल दे रखा है, आप उस पर स्टिक कर रहे हैं तो डू स्टिक टू दैट, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल थिंग्स. हर एक चीज़ के एन नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे जहाँ से आप कवर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के लिए कुछ लोग बोलते हैं 11th 12th की NCERTs मस्ट हैं, कुछ लोग बोलते हैं रमेश सिंह की किताब मस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं श्रीनाम इकोनॉमी के प्रिंटेड नोट्स कर लो यू नो एंड बेड़ा पार हो जाएगा. सो हर एक चीज़ के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज. आप थोड़ा थोड़ा सा रिसर्च करिए, पहले गूगल वगैरह कर लीजिए, अपने टीचर्स से थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, उन बुक्स को थोड़ा बहुत यू नो फ्लिप थ्रू करके देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या नहीं. एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स प्लीज़ स्टिक टू वन बुक, वन गुड बुक. अगर आपके फंडा क्लियर नहीं है तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अपने टीचर से पूछिए, कोचिंग नहीं ले रहे हैं घर बैठ के कर रहे हैं द वे आई यूज टू डू, तो
गूगल करना आई वुड से थोड़ा अवॉइड करिएगा, बिकॉज फॉर एनी टॉपिक व्हेन यू गूगल ना तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन फनलिंग आउट द बेस्ट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स अ लॉन्ग टास्क. ऐसे टाइम पे आई यूज टू सीक हेल्प ऑफ माई ब्रदर. मुझे कोई टॉपिक नहीं आता था जिसमें क्लैरिटी नहीं होती थी, तो आई वुड सिंपली SMS हिम कि फलाना फलाना टॉपिक एंड ही एक्सप्लेन इट टू मी. तो जितना गूगल या रिसर्च करने में एफर्ट जाता था वो मेरा नहीं, मेरे भाई का जाता था. ठीक है, इट वुड सेव मी अ लॉट ऑफ टाइम, और वो मुझे क्रिस्प और जो बिल्कुल सबसे आसान सी चीज़ होती थी वो निकाल के दे देता था. सो सीक आउट मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम योर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, एनीबडी. अगर आप दो तीन लोग इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, दैट इज़ यू नो वेरी गुड थिंग टू डू. कोई बहुत अच्छा एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, ग्रुप बनाइए, टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए. इकोनॉमिक्स का ये फॉर एग्जांपल, ये टॉपिक तुम प्रिपेयर करो, ये मैं प्रिपेयर करूँगा, एंड देन वील क्रॉस क्वेश्चन ईच अदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट डू मेक यूज़ ऑफ देम. सोर्सेज लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिविजन्स. ठीक है, आई कैनॉट एम्फेसाइज इट इनफ माई डियर फ्रेंड्स, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आप 10 सोर्सेज से दो दो तीन तीन बार पढ़ो, इसके बजाय आप एक या दो सोर्स को ही 10-10 बार पढ़ लो. द सेकेंड थिंग वुड बी मच मोर फ्रूटफुल, आई कैन से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. लिमिटेड चीज़ें रखिए, उनकी मल्टीपल रिविजन्स लीजिए. मैंने ये रियलाइज़ किया है कि द सेम NCERT बुक दैट आई हैड रेड इन द फर्स्ट गो और सेकेंड गो, व्हेन आई वाज रीडिंग इट फॉर से 7th or 8th टाइम, अ न्यू इनसाइट आई विल गेट. ठीक है, कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो परहैप्स इनिशियल रीडिंग्स में नहीं पता चलता था. तो अपनी बेसिक बुक्स को प्रिसाइज रखिए, उनकी मल्टीपल रिविजन्स लेते रहिए. मेरा कुछ एक थोड़ा सा सिंपल सा मंत्र था कि चाहे मैं प्री दे रही हूँ, चाहे मेंस दे रही हूँ, और फॉर दैट मैटर इंटरव्यू दे रही हूँ, आई वांटेड टू इंश्योर कि हर चीज़ को मैंने कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज कर लिया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इट वर्क्ड. आप देख लीजिएगा वेदर यू वॉन्ट इवन मोर रिविजन्स और लेसर, बट आई वुड से कि डू रिलाई ऑन मल्टीपल रिविजन्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तैयारी की बात शुरू करते हैं. तो मैंने जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने न्यूज़पेपर से नहीं पढ़े थे बच्चों, मैंने अपने करंट अफेयर्स इनसाइट्स ऑन इंडिया नाम से वेबसाइट है तो वहाँ से मैंने पढ़े थे. सो डेली आई यूज़ टू डू द करंट अफेयर्स, उसके बाद उनका एडिटोरियल पढ़ती थी, एंड देन आई यूज़ टू सॉल्व सम 5 to 8 MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट दे पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट. सो ऑन एंड ऑफ आई कीप गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट क्या, कैन वी डू अवे विद हिंदू और इज़ इट एब्सोल्यूटली मैंडेटरी. अगैन सब्जेक्टिव चॉइस, कम्प्लीटली योर चॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट आई डिडंट रीड द न्यूज़पेपर. मेरे लिए मतलब इनिशियली ये था कि मैं अपनी मासी के घर पे रह के तैयारी कर रही थी और उनके गांव में उस टाइम पे हिंदू आता नहीं था, हिंदू की सर्कुलेशन बहुत वास्ट नहीं है, फार फ्लंग एरियाज में जनरली नहीं आता है. सो दिस वॉज अ कंस्ट्रेंट दैट आई बिगैन विद, दैट इज़ वाई आई रिलाइड ऑन ऑनलाइन करंट अफेयर्स, एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ यू नो वर्क वंडर्स फॉर मी. मेरे लिए वो बहुत सही साबित हुआ. हिंदू पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था, करंट अफेयर्स मैंने ऑनलाइन पढ़ने शुरू किए सो दैट वुड कंज्यूम अराउंड 1/2 hour ऑफ माई टाइम टू रीड ऑल द करंट अफेयर्स. उसके बाद फिर एडिटोरियल पढ़ लिया 10-15 मिनट में, एंड डूइंग द MCQs, मतलब एक घंटे में करंट अफेयर्स वाला पार्ट अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता था, बजाय इसके कि लगभग 1.5-2 घंटे आप द हिंदू को डिवोट करो. एंड अगैन कंप्लीटली योर चॉइस. बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू पढ़ते हैं उसमें से नोट्स बनाते हैं, एंड दैट इज़ द वे दे गो, सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू, टाइम लिमिटेड है बच्चों, तो उस टाइम का ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो. ठीक है, आउटपुट इनपुट रेशियो थोड़ी देख लिया करो कि 2 घंटे पढ़ के अगर मेरी इतनी आउटपुट आ रही है, बजाय इसके 1 घंटे पढ़ के आ जाए उतनी आउटपुट, तो दैट इज़ बेटर. इस वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम जगह जगह से बचाने की कोशिश करो. सो दैट इज़ अबाउट या करंट अफेयर्स रीडिंग एंड ऑल. उसके बाद बात करते हैं नोट मेकिंग की. मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डिड यू मेक नोट्स, इफ़ यू मेड नोट्स हाउ ऑफन डिड यू रिवाइज देम, हाउ डिड यू इंश्योर दैट यू रिवाइज ऑल योर नोट्स इन टाइम. नोट मेकिंग अगैन अ सब्जेक्टिव चॉइस, बट टू टेल यू वॉट आई डिड, आई डिडंट मेक नोट्स, एब्सोल्यूटली नॉट फॉर NCERTs इन स्टैंडर्ड बुक्स. मेरा ये मानना है कि जितना टाइम आप NCERT पढ़ के उसमें से नोट बनाने में लगाएंगे, उतना ही टाइम अगर आप उसकी रिविजन में दे दोगे ना, तो आउटपुट वुड बी मच बेटर. तो अगेन मतलब इट इज़ अबाउट टू द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. तो